असल में जब तेल महंगा होता है तो सारी चीजें महंगी हो जाती हैं अब तेल पिछले तीन चार महीने में तेल की कीमत सौ फीसद बढ़ गई है यानी तेल था बतालीस डॉलर का आज वो पहुंच गया पचासी डॉलर के ऊपर हमारे मुल्क में कितनी बड़ी है तेल की कीमत तैतीस फीसद इंटरनेशनली सौ फीसद बढ़ी है अब जरा ये भी जरा देख लें कि हमारे जो साथ साथ मुल्क हैं जिनकी जब बल्कि गुरबत हमारे से भी ज़्यादा है बांग्लादेश और हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान के अंदर तेल की कीमत है ढाई सौ रुपये लीटर बांग्लादेश में तेल की कीमत है दो सौ रुपये लीटर पाकिस्तान में तेल की कीमत है एक सौ अठतीस रुपये लीटर ये क्यों कम है क्योंकि हमने जो लेवीज लगती हैं यानी जो टैक्स लगता है वो सारे हमने कम करते गए ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े अगर हम जिस तरह इंटरनेशनल कीमतों में इजाफा था उसी तरह हम करते हैं या जो पिछली गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए हुए थे तो आज हमें साढ़े चार सौ अरब मजीद इस गवर्नमेंट को फ़ायदा होना था वो हमने अपने पेट काट के तो इसलिए ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े तो जब आप कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया इस वक्त पाकिस्तान सबसे स्वाए वो मुल्क जिन जिन मुल्कों के अंदर तेल निकलता है स्वाय उन मुल्कों के जो इम्पोर्ट करते हैं पाकिस्तान में से सबसे सस्ता मुल्क है पेट्रोल में लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्जों के ऊपर जिनका सूद देना पड़ता है तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी मैं आज आपको कह रहा हूँ लेकिन अभी भी हिंदुस्तान से ज़रा सिर्फ मुकाबला कर लें कि ढाई सौ रुपए लीटर आज हिंदुस्तान में पेट्रोल बिक रहा है और बांग्लादेश में दो सौ लीटर तो आप जरा खुद ही मुकाबला कर लें कि पाकिस्तान में आज एक सौ का बिक रहा है